अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके साथ वन पॉट पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मज़े की और अमेजिंग रेसिपी है ना, बच्चों ने एक दफ़ा खाना ना आपके दीवाने हो जाना है। इतनी मज़े की और अमेजिंग रेसिपी ये बनती है, एक दफ़ा बच्चे खाएंगे ना तो उनको मज़ा ही आ जाने हैं। तो अगर तो आप कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं बच्चों को, तो ये पास्ता लाजमी उनको खिलाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 100 ग्राम बटर लिया है। इसके अंदर मैं ऑयल नहीं डाल रही, खाली बटर डाल रही हूँ। अगर आपने ऑयल ऐड करना है तो कर सकते हैं। क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक मैंने लिया है जी 2 टेबल स्पून। अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद जी आधा किलो चिकन लिया है, उसको बिल्कुल टाइनी क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। चिकन हमने 3 से 4 मिनट फ्राई करनी है ताकि चिकन जो है ना पिंक से वाइट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे जी गैस गई हुई है, यहाँ पे मुझे हॉट प्लेट पे सारा काम करना पड़ रहा है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा मुझे फील हो रहा था, लेकिन रेसिपी तो बनानी थी। तो चलेंगी, यहाँ पे चिकन वाइट हो गई है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। वन एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिल्ली कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, और कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद जी इसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट ऐड किया है 1 कप। आप टमाटो पेस्ट की बजाय टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अगर प्यूरी ऐड करनी है तो 2 कप ऐड करेंगे। अच्छे से हमने फिर इसको मिक्स करना है, भून लेना है। अब जी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी डालेंगे या 4 गिलास डाल लें पानी। ठीक है, सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। टोमेटो पेस्ट काफ़ी थिक और खट्टी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जी यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून शुगर के ऐड किए हैं। साथ ही हम 1 पैकेट पास्ता ऐड कर देंगे। कोई सा भी पास्ता आप ले सकते हैं, मैंने पेने पास्ता लिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद ही यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था, 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे, और इसको हमने कवर करके पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता बिल्कुल हमारा गल चुका है। वैसे तो 8 मिनट में गल जाता है पास्ता, लेकिन मसाले के अंदर हम गला रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जी इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। मैंने शिमला मिर्च और प्याज ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको कुक करना है। उसके बाद मिक्स हर्ब्स मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और लास्ट में इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करना है। मोज़रेला चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी चाहे ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 कप ऐड किया था। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये 1 पॉट पास्ता रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मज़े का और इतना क्लासी ये बना था ना, कि जो भी खाएगा उसको मज़ा ही आ जाने हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डू ट्राई आउट एंड शेयर योर रिव्यूज़। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।